जनता के आगे मांग करते करते आईसीयू में भर्ती हो गया डॉक्टर। नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा की आवाज उठाने वाले डॉक्टरों की हालत खराब, लेकिन ममता ने साथ रखी है चुप्पी। आखिर ममता चाहती क्या है? आरजीकर हॉस्पिटल रेप कांड के मामले में नवरात्रि के समय में धरने पर बैठे आमरण अनशन कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है। हालत ये है कि डॉक्टरों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा है, लेकिन मजाल है ममता दीदी अपने आगे किसी की सुने। दूसरी सरकारों को हिटलर बताने वाली ममता आज खुद हिटलर बन गई है। जिस नवरात्रि में देवियों की पूजा की जाती है, महिला को देवी का रूप माना जाता है, उसी की आवाज उठाते उठाते आज एक डॉक्टर आईसीयू पहुंच गया। लेकिन ममता तो मानो गांधी के उन तीन बंदरों की तरह हो गई हैं, जिसको ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, और वो ना कुछ बोलना चाहती है। ममता के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठे डॉक्टरों की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता है। आरजीकर मामले में अभी तक ममता ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है और इस विरोध में डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सीनियर डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी ने बताया कि अनिकेत महतो की हालत लगातार खराब हो रही थी। गुरुवार को उनका पल्स रेट काफी कम हो गया, बाकी हेल्थ पैरामीटर्स की रीडिंग भी कम हो रही थी। अनिकेत आरजीकर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किए गए हैं। अनिकेत जूनियर डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले दो महीने से जारी प्रदर्शन में शामिल हैं। आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। इसके अगले दिन से जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी, जिसके चलते डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर की शाम को भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं। आज भूख हड़ताल का 6वां दिन है। 5 अक्टूबर की शाम को 6 डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद 3 और साथी हड़ताल पर बैठे। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की मुख्य सचिव के साथ मीटिंग भी बेनतीजे वाली रही। मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ डॉक्टरों के एक दल ने 9 अक्टूबर को करीब 2 घंटे तक मीटिंग की। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जूनियर डॉक्टर बोले, राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद मांगों के बारे में सोचने की बात कही है। हमारे साथी कई दिन से भूख हड़ताल पर हैं, हमें ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। सॉल्ट लेक में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में हुई इस बैठक में राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के लगभग 20 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देवाशीष हल्दर ने कहा कि मुख्य सचिव ने परिसरों में सुरक्षा उपायों को लागू करने के मामले में राज्य की तरफ से उठाए गए कदम के बारे में पुरानी बातें ही दोहराई। बाकी मांगों के बारे में सरकार ने कोई लिखित निर्देश जारी करने या उसके लिए समय सीमा बताने से भी इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने पहले 5 मांगे रखी थी, इनमें सरकार ने 3 पूरी की थी। फिर भूख हड़ताल, जूनियर डॉक्टरों ने रेप मर्डर घटना के खिलाफ 10 अगस्त से 21 सितंबर तक 42 दिन तक हड़ताल की थी। डॉक्टरों ने सरकार के सामने पहले 5 मांगे रखी थी, इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी थी, वे अस्पतालों में काम पर लौट गए थे। 27 सितंबर को सौगर दत्ता हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों की पिटाई का मामला सामने आया, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू कर दी। 4 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम काम पर लौट रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी, जिसके चलते डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर की शाम से भूख हड़ताल शुरू की। इसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच एक और दौर की बातचीत विफल होने के बाद बुधवार रात आरजीकर अस्पताल में 106 डॉक्टरों और फैकल्टी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ममता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और डॉक्टरों की मांगों को सिर्फ सुनकर नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने भी ऐलान कर दिया है कि हो चाहे जो, इंसाफ लेकर रहेंगे, मांगे पूरी करवाकर ही रहेंगे। ऐसे कृत्यों के बाद से ममता के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं या तो वो आरजीकर रेप कांड मामले में कोई सख्त फैसला ले या फिर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दे। आप बताइए, ममता बनर्जी का ये सख्त रूप आखिरकार डॉक्टरों को क्या संदेश देती है? क्या ममता को बड़े फैसले पर आना चाहिए या उनसे अगर ये फैसला नहीं लिया जा रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।